जनता समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने आज सरदार पटेल की मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची 21 फीट की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरदार पटेल को वर्तमान परिस्थिति में अपने चरणों में पुष्पों की नहीं बल्कि संकल्प की आवश्यकता है। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद भारत को एक देश के रूप में एकजुट करने में सबसे अहम भूमिका अदा की थी और सरदार पटेल भारत के संविधान के सबसे बड़े अनुयायी और समर्थक थे और उनका मानना था कि भारत की एकता अखंडता तब तक कायम है जब तक हम सर्वधर्म सद्भाव की भावना के तहत काम करते रहेंगे और साथ ही साथ इस देश के दलित आदिवासी शोषित पिछड़े अति पिछड़े लोगों को सम्मान और आर्थिक संपन्नता का अधिकार दिलाते रहेंगे। आज वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें धर्म के नाम पर जाति के नाम पर एवं वर्ग के नाम पर समाज को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोग जो हत्यारों को और उनके व्यक्तित्व को महिमा मंडल करते हुए उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं यह लोग भारत की एकता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सूरज जायसवाल ने आरोप लगाया है कि नगर निगम में भाजपा शासित महापौर ने कभी भी सरदार पटेल की प्रतिमा को स्थापित करने की पहल नहीं की। जदयू के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर भी उन्होंने आंशिक पहल करके सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित नहीं की। इस अवसर पर एडवोकेट उदय कुमार साहू ने कहा कि सरदार पटेल के निश्चय को पूरा करने का सही वक्त देश में आ चुका है और पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट होकर देश से पूंजीपति आधारित सत्ता के दलालों को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। पुष्पांजलि कार्यक्रम में एडवोकेट परमानंद साहू, देवकरण हलदकार, शिव प्रसाद प्रजापति, आशीष मोहम्मद रफीक आदि उपस्थित थे। आज बहुत गौरव का दिन है क्योंकि आज हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, 187वीं जयंती, और ये हम जबलपुर वासियों के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है कि कुर्मी संस्थान सेवा संस्थान जबलपुर ने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा 21 फुट की श्री सरदार पटेल की यहाँ पर जबलपुर में स्थापित की है। मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से समस्त कुर्मी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक यहां पे एक ऐसा स्थान उपलब्ध करा दिया है कि हम सभी आकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारा एक स्थान है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग आकर बैठ कर अपनी बात कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है, ये काम शासन को करना चाहिए था, प्रदेश सरकार को करना चाहिए था, लेकिन ये समाज के लोगों ने किया, अपने पैसे से किया, सबने मिलके किया। उसके लिए मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से समस्त कुर्मी समाज के लोगों को आदरणीय ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नारायण चौधरी जी को मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहूँगा कि आज से 2 साल पूर्व जनता दल यू ने इस बात की पहल की थी और हमने जबलपुर के महापौर, उस वक्त जो महापौर थी स्वाति गोड़बोले जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने कहा था कि वो जबलपुर में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित करेंगी। सदन में प्रस्ताव भी पास हो गया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित नहीं करवाई। आज समाज के लोगों ने आगे बढ़कर ये कदम उठाया है और प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया है। मैं उन्हें जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ और इतना ही कहना चाहूँगा कि सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके सपनों का धर्मनिरपेक्ष सर्वधर्म सद्भाव का समाज हम निर्मित करें, जो कि सरदार पटेल का सपना था और जिसके लिए उन्होंने भारत को एक किया था और आज भारत एकता दिवस के रूप में हम आज के दिन को मना रहे हैं। मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से उन्हें सादर बारंबार नमन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए जनता दल यूनाइटेड के लिए निश्चित रूप से बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है।
आज जब हम इस प्रतिमा को देखते हैं, इतनी ऊंची प्रतिमा, तो हमें भी अपने गर्व का एहसास होता है। और अब हमारी जनता दल यू की मांग तो पहले से थी, लेकिन आज इस मांग को बीजेपी पूरा नहीं कर पाई। आज हम लोगों ने एक व्यक्तिगत रूप से कुर्मी समाज के लोगों ने हमारे चौधरी नारायण सिंह जी के माध्यम से, इनके प्रयास से जो यह सफल हुआ है, हम उनको ढेर सारा बधाई देना चाहते हैं, बधाई देते हैं। और आगे भविष्य में हम इस स्थल को एक अच्छा पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, सद्भावना के विकास के लिए हम काम करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।